जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। आपको पता तो होगा दोस्तों, भूगोल के अंदर क्या है, दो बुक है। भूगोल के अंदर दो बुक है, फर्स्ट और सेकेंड दो बुक है। पहली बुक है आपके सामने जिसे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। यानी दोनों बुक के दोस्तों मैंने जो है वो नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं मैं आप सभी को। जैसे जो फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके जो सभी चैप्टर है वो मैंने YouTube पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवा दिए हैं, सभी चैप्टर के नोट्स। उसी प्रकार से जो भारत लोग और अर्थव्यवस्था है, इस बुक के जैसे छह टॉपिक तो मैंने करवा दिए हैं, आज हम सातवां टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। और एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, पूरे टॉपिक के आपको नोट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे से ये नोट्स उतारे नहीं जाते, ठीक है, अगर आपको नोट्स बुक चाहिए तो दोस्तों बिल्कुल नोट्स बुक भी हमारे पास तैयार है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नोट्स बुक की जो प्राइस है, देखो भूगोल की बुक आपको मिल जाएगी, भूगोल की नोट्स बुक आपको मिल जाएगी, इसकी जो प्राइस है वो 60 रुपये है, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं कि भी मैं आपके घर पर आके पहुँचाऊँगा, घर पर नहीं दोस्तों, ये आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी PDF के रूप में, ठीक है। मैं और ये बता देता हूँ, व्हाट्सएप पर आपको PDF के रूप में मिलेगी, चैप्टर वाइज, यानी सभी चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे आपको, यानी सभी चैप्टर के प्रमुख नोट्स होंगे, साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी उसमें शामिल होंगे, ठीक है। देखो, भूगोल, इतिहास, ये तीन सब्जेक्ट है, जैसे भूगोल है, इतिहास है, इसके अलावा प्रमुख राजनीतिक विज्ञान है, ये तीन सब्जेक्ट है। भूगोल की प्राइज है 60 रुपये, इतिहास की प्राइज है 71 रुपये, और इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान की प्राइज है 71 रुपये। तो तीनों बुकों की प्राइज, अगर तीनों में से आप किसी दो बुक के नोट्स खरीदते हैं, इन तीनों में से किसी दो बुक के नोट्स खरीदते हैं, तो दोस्तों क्या है, आपको जो है वो सीरीज फ्री में मिलेगी। सीरीज जो है, यानी कि प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, और जितने भी जो अब तक के जो पूछे गए प्रश्न उत्तर है, जो पेपर है, जो अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, सभी उसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। और आपको, यानी कि मैं कहता हूं कि बाजार से जो है वो डेस्क लाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक बार तो ये सभी आपको नोट्स जो है अच्छे नोट्स बुक को अच्छे से पढ़ लेना है, साथ ही जो मैं एक सीरीज निकालूंगा उसको अच्छे से पढ़ लेना है, एक नंबर भी नहीं कटेगा इनसे, बार कुछ नहीं है, और पूरे 100 में से 100 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बिना आपका टाइम गवाई स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप नोट्स बुक नहीं खरीदना चाहते तो व्हाट्सएप पर भी बिल्कुल आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर आप देख सकते हैं, प्रमुख चैप्टर वाइज मैंने सभी करवा रखे हैं। चलो दोस्तों, चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे परिवहन की परिभाषा। तो परिवहन की परिभाषा दे रखी है, देखो दोस्तों, परिवहन एवं संचार, ये टॉपिक अपने दोनों बुकों में है, भूगोल जो फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक दोनों बुकों में है। जो फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उस बुक में भी ये टॉपिक है, ठीक है, मिलता जुलता है टॉपिक है दोस्तों, सेम टू सेम यही है, थोड़ा बहुत चेंज है, उसमें विश्व संबंधी बता रखा है, इसमें भारत संबंधी बता रखा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जो पॉइंट है वो चेंज है, बाकी आप वो याद कर लेते तो है जैसा का जैसा, मिलता जुलता ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले परिभाषा दे रखी है परिवहन की, इसके अलावा प्रमुख परिवहन के साधनों का प्रमुख जैसे एक आपके सामने चार्ट दे रखा है, जिसमें स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये प्रमुख परिवहन के साधन है, और इनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्थल परिवहन में जैसे सड़क, रेल, पाइपलाइन परिवहन, इस तरीके से ये आते हैं। तो बिल्कुल ये चार्ट आप अच्छे से नोट करेंगे दोस्तों, अच्छे से आपको ये नोट करना है, ठीक है। इसके बाद देखो, प्रमुख स्थल परिवहन के बारे में बता रखा है, स्थल परिवहन में जैसे आपको पता है राज्य महामार्ग आते हैं, इसके अलावा प्रमुख जैसे जिला सड़कें हैं, ये प्रमुख आते हैं। वीडियो को रोक आप अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों, मैं चैप्टर वाइज आपको बोर्ड पर अच्छे से समझाऊंगा, अभी क्या है कि मैं आपको नोट्स बुक उपलब्ध करवा रहा हूँ, नोट्स जो है वो उपलब्ध करवा रहा हूं। ग्रामीण सड़कें देख सकते हैं, रेल परिवहन के बारे में भी बता रखा है, रेल परिवहन, ठीक है, तो रेल परिवहन के बारे में आप नोट कर सकते हैं। भारतीय रेल की स्थापना कब हुई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1853 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देख सकते हैं, रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के तीन वर्ग है, कौन कौन से, बड़ी लाइन, मोटर लाइन और छोटी लाइन, ये भी देख सकते हैं, इनकी पटरी की दूरी कितनी क्या है देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख सीमांत सड़कें या सीमा सड़क संगठन, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी, और इसका उद्देश्य प्रमुख आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख आगे बात करते हैं, जैसे राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं, ठीक है, राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं दे रखी है, नोटबुक है उसमें इसी तरीके से उतारना है। ये देखो, कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ है, कोंकण रेलवे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कोंकण रेलवे के बारे में, देख सकते हैं इसमें कौन कौन से जैसे प्रमुख राज्य शामिल है, तो इसमें देख कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये प्रमुख शामिल है। और ये तो देखो बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना ही है दोस्तों, ये देख सकते हो आपके सामने प्रमुख जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग सेकंड, राष्ट्रीय राजमार्ग थर्ड, ये एग्जाम के लिए मोस्ट है, इसको तो आप अच्छे से याद करना दोस्तों, कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो फर्स्ट है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर है। इसी प्रकार से ये देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों। ये देखो आपके सामने जैसे बुक के अंदर भी ये दे रखा है, तो मैंने ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लिया पूरा,
पूरा, तो ये भी आप नोट कर सकते हो, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर सेकंड, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर थर्ड, ठीक है। इसी तरीके से ये आपको लिखना है, देखो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर फोर, राष्ट्रीय राजमार्ग फाइव, इसके अलावा प्रमुख देखो महाद्वीप के प्रमुख मार्ग रेल मार्ग। ये जो है ये पॉइंट दोस्तों, ये मैंने जो पॉइंट है आपके मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत उस बुक में यानी उस चैप्टर से भी उठाया गया है, तो चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, बाकी उस बुक में है, अगर आपने वो चैप्टर उतार लिया है तो ये उतारने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये प्रमुख, ठीक है, ये प्रामहाद्वीप है, रेल मार्ग ये देखो उस बुक के हैं, ठीक है, प्रमुख ये आपके सामने मैंने इसी चैप्टर में और ऐड कर लिए हैं, बाकी सेम टू सेम ही है, सेम ही है दोस्तों। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता परिवहन क्यों है, देख सकते हैं महासागर, इसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से नोट करना है। बात करते हैं इसके अलावा देखो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, ये उसी चैप्टर में से ये प्रमुख पॉइंट उठाए गए हैं, तो ये भी देख सकते हैं दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के बारे में दे रखा है, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग के बारे में दे रखा है, और ये प्रमुख जैसे रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के तीन वर्ग बताए गए हैं, जैसे बड़ी लाइन और मीटर लाइन और छोटी लाइन, तो बड़ी लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने डायरेक्ट आपके सामने देखो ले लिए हैं, जैसे मीटर लाइन छोटी लाइन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये देखो इसके अलावा प्रमुख जैसे उत्तमांश अंतरिप समुद्री मार्ग है, और नौ परिवहन नहर है, स्वेज नहर है, ये देखो स्वेज नहर और पनामा नहर ये उस बुक में है दोस्तों, मैंने ये लिए हैं कुछ उस बुक से रिलेटेड, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया आपके सामने, देखो वोल्गा जलमार्ग, वायु परिवहन, और ये पाइपलाइन परिवहन, इस तरीके से ये आपके सामने है, देखो संचार, संचार के प्रमुख साधन, संचार से क्या तात्पर्य, साइबर स्पेस इंटरनेट, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट करने हैं, और इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।